हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है और आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि कितने क्वेश्चन होते हैं। तो फटाफट आप ये वीडियो को अच्छे से देख लो और आप इसको अच्छे से मतलब साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन बात है वो बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। अभी देखो नवंबर एंडिंग मतलब नवंबर भी ऑलमोस्ट अभी खत्म होने आ गया है, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से मे बी आपके प्रीलियम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे मुझे एलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 6 है स्टैटिस्टिक्स उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक है ना उसके वीडियोस ऑलरेडी आना चालू हो गए हैं, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं हुए हैं। वो हमने दिनेश सर का जो स्मार्ट स्टडी चैनल है, दिनेश सर का स्मार्ट स्टडी चैनल जो है उसमें हमने स्टैटिस्टिक के वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं। तो प्लीज आप जरूर वो वीडियोस देख लेना, मैंने खुद ने पढ़ाया है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो जाओ वहां पे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दिनेश सर ने भी बहुत अच्छा अच्छा आपके लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री के वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिनेश सर स्मार्ट स्टडी आप ऐसे टाइप करना, आ जाएगा आपको चैनल और देख लेना वीडियोस। उसके बाद द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि अगर आपने मेरे अलजेब्रा के दिए हुए हैंड रिटन नोट्स अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये बहुत ही मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अगर आप उसका फायदा नहीं उठाओगे तो मतलब कि फिर तो वेस्ट हो जाएगी, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जितने भी 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनके पास, सारे बच्चों के पास ये हैंड रिटन नोट्स पहुंच जाए ताकि वो इनका फायदा उठा सके एंड मूवमेंट रिविजन के लिए। तो प्रीलियम्स एग्जाम भी आने को है, तो ये मेरे जो एलजेब्रा के दिए हुए हैंड रिटन नोट्स है 1 से लगा के 6 सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको वहां पे नोट्स में कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, द थर्ड पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एलजेब्रा के हैंड रिटन नोट्स कैसे डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है एलजेब्रा हैंड रिटन नोट्स करके, पहली लिंक की होगी, लिंक के ऊपर क्लिक करो, लोडिंग होने को थोड़ा टाइम जाएगा, जैसे ही लोडिंग हो जाएगा फटाक से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वो हैंड रिटन नोट्स डायरेक्टली दे दिए हैं, बस आपको उसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तीन बातें जो थी वो मुझे बतानी थी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ बातें हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप मेरे लिए कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बोल सकते हो, मैं वो सजेशन को जरूर कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो दिसंबर से मे बी हम लोग अपना रिविजन चालू कर देंगे। तो फटाफट मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, स्टैटिस्टिक चैप्टर भी खत्म करना है, ज्योमेट्री के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। तो ये सब एक बार अच्छे से हो जाए तो हम रिवीजन चालू करते हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियोस हो गए, बहुत सारे रिवीजन्स हो गए, महा रिवीजन होगा, महा रिवीजन होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, बस बने रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 7th क्या दिया है, आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 है इसमें हमको एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में है ये पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया, इन फिगर 3.32 ये फिगर है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेडियस है, PC इज द रेडियस, तो ये 3.4 सेंटीमीटर है। फिर हमको बोला है एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर PABC। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस दिया है 3.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है सेक्टर का। कौन से सेक्टर का पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर PABC, तो P इधर है और डैश ABC, ये जो ABC जो होता है ना वो आर्क होता है, आर्क को हम लोग 3 लेटर से डिनोट करते हैं, आपको ये पता होगा। तो यानी कि P-ABC मतलब ये वाला सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है ना
इसका हमको पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या कि अगर इस सेक्टर के सारे बाउंड्रीज को हम लोग ऐड करेंगे तो उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे कि ये वाला एक, ये वाला, ये जो रेडियस है PA प्लस ये जो हमारा सेक्टर का लेंथ होगा उसको प्लस करेंगे, और ये जो हमारा दूसरा रेडियस है इसको प्लस करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, R प्लस ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या है हमारा लेंथ, इसका इसका लेंथ लेना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि यहाँ पे देखो मैं एक बात बताती हूँ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब कि वो जो शेप है ना उसके सारे बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का जो लेंथ होगा, सारे बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसको ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये पेरीमीटर हमको यहाँ पे दिया है, ये पेरीमीटर जब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो हमको यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ना वो मिल जाएगा। लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे मिल जाएगा वो मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। और हमको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर P-ABC, मतलब ये जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीटा की कोई चर्चा नहीं हो रही है, टीटा मतलब सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। मतलब सेंट्रल एंगल अगर नहीं है तो हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, दैट इज A इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब टीटा दिया रहता है, दैट इज जब हमको सेंट्रल एंगल दिया रहता है, लेकिन अभी टीटा तो दिया ही नहीं है। या फिर हमको ये माइनर आर्क का, ये जो आर्क है ना इसका अगर मेजर दिया रहता है ना, मेजर डिग्री में होता है याद रखना, तो अगर मेजर दिया होता है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जबकि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा पता है, जो एरिया ऑफ द सेक्टर और जो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज होगा। कैसे यूज होगा देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर R से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज गिवन 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हमको पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर लिख देते हैं गिवन में, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमको दिया है P-ABC, तो ये कितना दिया, ये हमको दिया है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं टू फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC। तो चलो अभी सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम पेरीमीटर वाली जो कंडीशन है ना उसका यूज करेंगे। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ पेरीमीटर कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC। तो यहाँ पे देखो, ये जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, पेरीमीटर मतलब क्या कि ये जो हमारा सेक्टर है ना इसका टोटल बाउंड्री का लेंथ लेना है। तो मतलब क्या लेना है हमको, R प्लस R और प्लस क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो रेडियस प्लस रेडियस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, विच आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सा लेंथ ऑफ द आर्क, ABC, ये इसका लेंथ लेना है। हमको लेंथ को कंसिडर करना है, मेजर को कंसिडर नहीं करना है। मतलब कि अगर हमने क्या किया, ये देखो ये पहली बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री और ये तीसरी बाउंड्री, ये तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाता है। पेरीमीटर मतलब क्या, उस वो जो फिगर है उसका बाउंड्री ऐड टोटल करो, तो दिस प्लस दिस रेडियस और ये वाला आर्क का लेंथ, तो इनको जब टोटल करेंगे, इनके लेंथ को जब टोटल करेंगे तो ये हमको पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया पता चला, दो आर को प्लस किया और प्लस लेंथ ऑफ द आर्क किया, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है तो वो है 12.8, तो इसके नीचे लिख देंगे 12.8। हमारे पास दोनों रेडियस भी है, दोनों मतलब सॉरी रेडियस तो सेम ही है दोनों का, सेम सर्कल के रेडाई सेम ही होते, तो 3.4 प्लस 3.4 और प्लस लेंथ ऑफ द आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर L से, तो L लेने। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 12.8 इज इक्वल टू 3.4 प्लस 3.4 करते हैं, तो 3.4 प्लस 3.4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 और 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया 6.8 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस L। तो अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर नंबर को बाजू में करेंगे तो इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6.8 है तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -6.8 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू L हो जाएगा, यहाँ पे L रह गया। इसको माइनस करते, अच्छे से माइनस करना, 12.8 है, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और यहाँ पे 6.8 करना। ठीक है,
तो जीरो हो गया, माइनस करना है तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब 6.0 मतलब, तो देयरफॉर हमको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल गया 6 सेंटीमीटर। लेंथ हमेशा सेंटीमीटर मीटर इसमें होगा, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर यूज हुआ है तो लेंथ ऑफ एन आर्क मिल गया। अब हमको देखो ये जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखो हमारे पास एक कनेक्शन है कि एरिया ऑफ द सेक्टर और उसका जो ये आर्क का लेंथ है उसका हमारे पास कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तो यहाँ पे देखो, नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ डैश ही है ना, नहीं पी डैश, सॉरी सेंटर पी है ना, तो पी लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू, ये वाला रिलेशन याद होगा आपको जो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क के बीच में है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी इज गिवन बाय, पहले हम लोग फुल फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा रेडियस, इंटू देखो रेडियस लिखा और अपॉन में आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा अपॉन में टू, तो दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी इसको एल से डिनोट किया, इंटू रेडियस को आर से, डिवाइड बाय टू। चलो अभी हमारे पास देखो सब है, हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क है, रेडियस भी है, तो चलो अभी इधर वैल्यू को पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे, इंटू रेडियस कितना है, तो देखो रेडियस आई थिंक कितना है 3.4 है, तो 3.4 लिखेंगे, 3.4 और इंटू सॉरी अपॉन टू कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो मल्टीप्लाई करते 3.4 इंटू 3 करेंगे तो 3 4 12, 3 3 9 +1 10, और पीछे से अभी एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके हमने ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो निकाला, तो जब लेंथ ये जो आर्क है ना इसका लेंथ निकाला, ठीक है, तो ये जो आर्क का लेंथ है वो निकाला हमने, उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप तो हमको पता ही था कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर है और जो लेंथ ऑफ एन आर्क है इनके बीच में ये रिलेशन होता है, तो ये फॉर्मूला यूज किया। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि टीटा नहीं दिया है, टीटा मतलब सेंट्रल एंगल की बात हुई नहीं है, तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको सेवेंथ वन समझा होगा, चलो अभी हम लोग करेंगे एथ वन। चलो अभी हम लोग करते हैं एथ वन। एथ वन देखो बहुत ही ईजी है, टेंशन मत लेना। क्या दिया, इन फिगर 7.3 थी, ये हमारा फिगर है, O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे देखो O जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे देखो दो सेक्टर है, एक ये वाला सेक्टर है, एक ये वाला सेक्टर है, एंड दिस इज द मतलब सेक्टर क्या होगा ना, ये सर्कल का ही पार्ट होगा। अगर अगर मैं अगर देखो अगर इसको आप थोड़ा सा राउंड करके पूरा कंप्लीट कर दो, मतलब ऐसे अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे 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 सर्कल बना दो तो ये सर्कल बन जाएगा, मतलब इन लोगों ने आधा सर्कल दे दिया, ऐसे 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 देखो इसको पूरा सर्कल आप बना सकते हो, तो ये एक सर्कल ही था और ये उसका सेक्टर था, देखो ये उसका सेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ओ इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर बोल दिया, या ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मतलब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज क्यों होने का, मैंने समझाया ना अभी आपको, ये जो है ना ये सर्कल के ही हिस्से है, दोनों सर्कल के हिस्से ही है, जैसे कि अभी देखो इसको कंप्लीट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा कुछ सर्कल आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ सर्कल आएगा, ये सर्कल बन गया कि नहीं, देखो सर्कल बन गया। वैसे अगर आप इसको भी कंप्लीट करना चाहो तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बट इधर मेरे को जगह नहीं होगा, तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ये सर्कल आएगा, सर्कल आएगा, सर्कल आएगा, देखो जगह नहीं है इसलिए वो ऐसा लग रहा है, बट ये देखो ये, तो ये वाला जो है ना, ये देखो ये वाला भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है, और यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये छोटे सर्कल का सेक्टर है, तो दोनों समझ में आ गया क्या है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे जाने दो, पूरा सर्कल क्या करना है हमको, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप चाहो तो पूरा सर्कल रहने दो, अपने रेफरेंस के लिए रहने दो, बस वैसे नहीं रहने दिया तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू मतलब ये एंगल,
और MON मतलब MON मतलब यही एंगल, सेम एंगल, ये दोनों सेम ही एंगल है। एंड ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, मतलब ये सेंट्रल हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया, मतलब ये टीटा हो गया। इतना तो क्लियर है भाई कि ये हमारा टीटा है, दिस इज टीटा, ठीक है याद रखना। फिर OR दिया है 7 सेंटीमीटर। OR मतलब ये देखो ये क्या है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है, तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हम लोग R ले लेंगे एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर दिया है। OR देख लो, ये देखो ये छोटा सर्कल है, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो देखो ये हमारा छोटा सर्कल है, ये छोटे सर्कल का देखो रेडियस दिया है, OR इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल जो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। एंड OM इज 21 सेंटीमीटर। OM मतलब क्या, O से लगा के M तक, O से लगा के M तक मतलब ये पूरा 21 सेंटीमीटर है, मतलब ये बड़े सर्कल का रेडियस दिया। देखो बड़ा सर्कल है ये पूरा हमारा बड़ा सर्कल है, उसका ये वाला जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा है दैट इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो वो 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1 ले लेंगे, ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1 ले लेंगे, ये R1 हो जाएगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस R ले लेंगे, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट हमको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN, मतलब हमको क्या फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फाइंड करना है, चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला है लेंथ फाइंड करना है, सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि क्या फाइंड करना है, एरिया की लेंथ, तो लेंथ बोला है, लेंथ आर्क का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तो कौन से आर्क का लेंथ फाइंड करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क RXQ, RXQ मतलब ये वाला जो आर्क है इसका लेंथ फाइंड करना है, एंड MYN मतलब ये वाले आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास देखो जब हम ये वाले आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे ना, तब हमको ये वाला रेडियस कंसीडर करना है, मतलब R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का बात हो रहा है, छोटे वाले सर्कल के इस आर्क का लेंथ निकालना है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो तब R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेंगे और टीटा हम लोग 60 डिग्री लेंगे, सेंट्रल एंगल तो दोनों का 60 डिग्री है बरोबर। और जब हम आर्क MYN निकालेंगे, MYN निकालेंगे, तब हमको क्या करना है, ये बड़ा वाला सर्कल जो है उसका रेडियस कंसीडर करना होगा, और उसका रेडियस जो है वो है OM, और OM का लेंथ देखो दिया है हमको कितना, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो जब हम इस आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे तब R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लेंगे, टीटा तो हमारा वही रहेगा 60 डिग्री, और जब इस आर्क का लेंथ निकालेंगे तो आर हम 7 सेंटीमीटर लेंगे और टीटा हम 60 डिग्री लेंगे। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। चलो अगर अभी लिखने का तरीका भी सीख लो, बाकी तो फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय टीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे देखो टीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, R की वैल्यू भी है, रेडियस भी है दोनों के, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो पाई की वैल्यू हमको क्या लेने बोला है, 22/7, बस बाकी तो क्वेश्चन तो पूरा इजी है। चलो इसका हम लोग गिवन वाला पार्ट लिखते हैं, पहले गिवन भी बोल सकते हो या डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर, हम लोग देखो सबसे पहले लिखेंगे फॉर आर्क RXQ, सबसे पहले हम लोग RXQ वाला जो आर्क है ना उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, पहले हम लोग इस आर्क के बारे में देखेंगे। तो इस आर्क के बारे में देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लेट की जो इस आर्क का रेडियस है वो हम लोग आर लेंगे, और वो कितना दिया है, ये कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है इस आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो ये वाला है, और ये एंगल का नाम है ROQ, तो यहाँ पे देखो ROQ जो 60 डिग्री है, तो एंगल ROQ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टीटा, एंड दैट इज टीटा लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों लिख दिया, अभी हम क्या करेंगे, इस आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे। तो चलो अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क RXQ एंड दैट इज गिवन बाय टीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2πr। तो टीटा कितना है, टीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2
इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 7 ये 7 हो गया खत्म। अब यहाँ पे ये 0 हो गया खत्म। 6 1 6 6 6 36, फिर यहाँ पे अभी इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होगा 2 1 2 2 3 6। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा देखो सिर्फ 22 बचा, ऊपर 22 बचा क्योंकि बाकी सब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, भी कट गया है। तो 1 into 1 1 1 1 2 22 ही होगा, और अपॉन नीचे क्या बचा, और नीचे बचा है 3। तो 22 को डिवाइड बाय 3 करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 22 वैसे भी टेबल में जाने वाला नहीं है ये, तो 3 7 होगा 3 7 21 होगा, 2 बचेगा 0 आ गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 6 18 होगा, फिर से 2 बचा 0, अगेन 3 6 18 होगा, मतलब ये तो चलता रहेगा ना, ये तो चलता रहेगा, मतलब 7.66666 चलता रहेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख देंगे 7.67 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो इसके पहले वाले नंबर को प्लस 1 कर देने का, एक से बड़ा देने का। तो इसका आंसर आया 7.67 सेंटीमीटर, ये लेंथ है ना इसलिए सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना। और यहाँ पे यूनिट मेंशन है ना, हाँ यहाँ पे 7.3 कैसे आ गया भाई, 7.3 एक मिनट, अरे हाँ सॉरी, देखा हमसे भी गलती होती है, हाँ सॉरी, कोई बात नहीं यार, मेरे को समझ में आ गया मेरी मिस्टेक क्या थी, मुझे लगता है आप लोग को तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा, अरे मिस क्या कर रहे हो आप, आपको डिवाइड नहीं आता है क्या। देखो यहाँ पे एक्चुअली में 1 ही बचा था, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 0 आ गया, तो ये पॉइंट, तो 3 लेना पड़ेगा ना, हाँ तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे 1 बचा, फिर से 0 आएगा, अगेन 3 3 9, फिर से 1, मतलब ये चलता रहेगा, समझ गए ना, तो 7.3333 चलता रहेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 7.3, ठीक है। 7.3 क्यों लिखा, 7.4 क्यों नहीं लिखा, या 7.34 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 से छोटा नंबर है, अगर 5 से छोटा नंबर होता है तो हम इसके आगे वाले नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो 7.3 रहने दो बस। तो 7.33 भी लिखा तो भी चलेगा, 7.3 लिखा तो भी चलेगा, एंड ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने इसका जो लेंथ है ना, ये आर्क का लेंथ निकाल दिया। अब हमको करना है क्या, ये रफ करेंगे, ये रफ करेंगे, ये रफ करेंगे, ये सब रफ कर देंगे। अभी हमको फाइंड करना है ये वाले आर्क का लेंथ, तो ये वाले आर्क का लेंथ फाइंड करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है वो ये है, ये रेडियस है, तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखो दिया है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, देखो OM दिया है 21 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक हो गया 21 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क है इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो है ये वाला, तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये भी हमको दिया है 60 डिग्री। ओके देखो MON एंगल MON 60 डिग्री दिया, तो मतलब ये टीटा है, टीटा और आर है। तो अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे फॉर आर्क कौन सा, फॉर आर्क MYN, फॉर आर्क MYN अभी इसके लिए करेंगे, तो इसका जो रेडियस है वो अलग लेंगे हम लोग, इसका रेडियस R1 लेंगे जो कि 21 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल MON है जो हमारा सेंट्रल एंगल है उसको टीटा लेंगे, वो तो हमारा 60 डिग्री ही है। चलो अभी इस आर्क की लेंथ निकालते, तो लेंथ ऑफ द यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क MYN, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा 2πr। तो टीटा की वैल्यू कितनी है, टीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 है तो 2 इंटू पाई है तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब सॉरी R1 लिखना है हमको क्योंकि यहाँ पे R1 है, तो R1 है 21, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, फिर यहाँ पे 7 1 7 7 3 21, ओके तो यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे ये टू कैंसिल, अरे वह सब मस्त कट रहा था, आराम से कट गया सब, एंड दैट इज इक्वल टू सिर्फ ऊपर देखो, ऊपर 22 बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया ना कैलकुलेशन, अरे कैलकुलेशन बहुत इजी था, पीछे जाके अच्छे से देख लेना, मैं आंसर देख लेती हूँ, हाँ बरोबर आंसर राइट है, समझ में आ गया 8th वन
चलो अभी हम करेंगे नाइन्थ वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नाइन्थ वन। तो नाइन्थ वन देखो क्या दिया है, इन फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, देन नंबर वन वी हैव टू फाइंड एंगल ए पी सी एंड सेकेंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या दिया है कि ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है दैट इज पी डैश ए बी सी, मतलब पी ये जो सर्कल का सेंटर है और ये जो आर्क ए बी सी है इन दोनों के बीच में जो सेक्टर है वो है ये वाला। तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया हमको दिया है, इस सेक्टर का एरिया हमको दिया है दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको इस सर्कल का रेडियस, ये रेडियस हो गया ना, तो मतलब कि मान लो आर दिया है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, नंबर वन एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी मतलब ये जो एंगल है ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये एंगल होगा सेंट्रल एंगल मतलब ये टीटा होगा, तो यानी कि टीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसके बाद हमको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी, मतलब कि ये जो आर्क ए बी सी है इसका लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसका लेंथ तो अभी भी हम लोग बिंदास फाइंड कर सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर के बीच में जो रिलेशन है उससे हम लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर सकते हैं, बट ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है जो गिवन है ना उसका यूज करने का कभी भी। तो चलो पहले तो यहाँ पे देखो गिवन वगैरह में आप ये सब लिख देना, मैं आपके साथ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी जो हो गया दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द सर्कल को हम लोग आर ले लेंगे, तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो टू फाइन, टू फाइन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन हमको बोला है कि एंगल ए पी सी फाइन करना है, सेकेंड वन हमको बोला है वी हैव टू फाइन द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। तो चलो अभी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट वन फाइंड करेंगे दैट इज एंगल ए पी सी, दैट इज ए पी सी नहीं सॉरी, हाँ एंगल ए पी सी है ना, हाँ एक्चुअली में एंगल ए पी सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ए पी सी जो है दैट इज सेंट्रल एंगल, वो क्या है हमारा सेंट्रल एंगल, दैट इज सेंट्रल एंगल है, और ये सेंट्रल एंगल जो है इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग टीटा कंसीडर करेंगे। और अभी एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू दी है ना, तो ये वाला एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करो, एरिया ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम टीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है पता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसके नीचे पुट करो, जो कि क्या दी है 154, तो इसके नीचे पुट के एंड दैट इज इक्वल टू टीटा हमको फाइन करना है, टीटा जैसे मिल जाएगा ये मिल जाएगा, तो टीटा फाइन करना है अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या है इंटू पाई, पाई क्या लेंगे, पाई लेंगे 22 अपॉन 7। अब आप बोलोगे कि 22 अपॉन 7 तो बोला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो जो r है ना, r मतलब जो रेडियस है ना वो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है मतलब 7 के टेबल में आता है, तो अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में है तो पाई जो है वो 22 अपॉन 7 लो। ठीक है तो r है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे देखो ये लिखेगा 154 इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 अपॉन 7 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे ये 14 इंटू 14 कर देंगे, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, इससे क्या होगा देखो इससे हो जाएगा 7 1 7 7 2 14। उसके बाद हम डिवाइड करते रह गए यहाँ पे, जैसे कि डिवाइड और क्या हो जाएगा देखो 2 1 2 11 मत कर देना, ये ऊपर ऊपर है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है अब इन दोनों को हम लोग कर सकते हैं 2 के टेबल में, देखो 2 1 2 1 बचेगा, 2 8 16 2 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2। अब देखो इन दोनों को भी 2 से कर सकते हैं वैसे तो यानी कि 2 9 18 2 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 2 11। अब देखो इन दोनों को कर सकते हैं 2 के टेबल, ये देखो इधर है 14 ना, इसको भूलना मत, ये 14 है और यहाँ पे नीचे 90 है, तो इनको भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 8 1 बचेगा, 2 2 5 10। ठीक है यहाँ पे 2 7 14। अब देखो ऊपर बचा 7 और ये 45, तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 11 और 45 भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे देखो
ये 154 इधर ही रहने दो, ये देखो ये जो नीचे डिवाइड में है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 45, और ये दोनों जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, तो 11 × 7 नीचे आ जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीटा इज इक्वल टू टीटा। ओके, पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? समझ में आ जाना चाहिए, ये कट करना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 11 के टेबल में ये जाएगा, देखो 11 × 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 11 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा। फिर देखो 7 और 14 के टेबल में जाएगा, ये 7 और 14 7 के टेबल में जाएगा, 7 × 7 7 × 2 = 14, तो 45 × 2 करेंगे तो 2 × 45 करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू टीटा, तो 2 × 45 कितना होगा 90, तो 90 इज इक्वल टू टीटा, तो यानी कि देयरफॉर टीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि देयरफॉर जो एंगल एपीसी जो था दैट वाज अवर टीटा, जो हमको मिल गया 90 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर, समझ में आ गया, तो ये हमने फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन बोला है लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, तो सेकेंड वन मैं इसके बाजू में करती हूँ, इधर कर देती हूँ। सेकेंड वन बोला है लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी, तो लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो टीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर जो लेंथ और एरिया के बीच में जो रिलेशन है वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, देखो लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी हम टीटा वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है टीटा अपॉन 360 × क्या हो जाएगा 2πr। तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेंथ ऑफ द आर्क ऐसे ही रहेगा। टीटा देखो अभी ताजा मिला है हमको, टीटा ताजा क्या मिला है 90 डिग्री, तो टीटा के जगह पे अभी हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे, अपॉन यहाँ पे डिग्री जरूर लिख देना 360 डिग्री, × 2 × π, समझ गए ना, पाई लेंगे 22/7 × r मतलब रेडियस है 14। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जीरो कैंसिल, 7 × 1 = 7 × 2 = 14। अब देखो ये 9 के टेबल में जाता है ना, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, अब देखो ये दोनों भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, पहले ये 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, फिर ये 2 कैंसिल, मतलब सब अच्छे से नीचे तो कैंसिल हो गया, बस ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा 22 बचा, तो यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी जो आया दैट इज 22 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, याद रखना, ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ही राइट है, तो आई होप आपको समझा होगा नाइन्थ वन। चलो फटाफट अभी हम लोग करते हैं क्या, टेंथ वन भी साथ में ही करते हैं, टाइम पास नहीं करते। टेंथ वन यहाँ पे थोड़ा तीन फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इफ मेजर्स ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, इफ द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, 210 डिग्री, 3 right angles, find the area of the sector in each case। मतलब यहाँ पे तीन केस है, तीन केस कैसे है, रुको मैं बताती हूँ आपको, एक केस में अच्छे से समझाती हूँ, बाकी रेस्ट सारे केस आपको अच्छे से समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, पहले से आ जाएगा। तो पहले मैं आपको सर्कल बना के थोड़ा समझाती हूँ, नहीं तो क्या है ना कि मजा नहीं आएगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये सर्कल बना दिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल एंगल बनाएंगे। सेंट्रल एंगल क्यों बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो सेंट्रल एंगल बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये सेंट्रल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये बनाया और यहाँ पे ये मान लो कि ये, तो यहाँ पे देखो आप इसको कैसे भी रख सकते हो, सेंट्रल एंगल मैंने नीचे की तरफ बनाया, तो ये ठीक है, ये सेंट्रल एंगल है, ये मान लो ओ है, यहाँ पे ये सेक्टर का नाम, सॉरी इस आग का नाम हम कुछ दे देते हैं, इस आग का नाम दे देते ए, यहाँ पे बीच में पॉइंट बी रखते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट सी रखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन समझना, क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहाँ पे ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर का रेडियस दिया है, या हम ये भी बोल सकते हैं इस सर्कल का रेडियस दिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस जो है, जैसे कि जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इफ मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब ये जो हमारा सेक्टर है इसके आर्क का मेजर दिया है, एंड दैट इज नंबर वन क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। मतलब कि मान लो देखो ये हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर का जो आर्क है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा,
तो इस आग का मेजर दिया है, मेजर हमेशा डिग्री में होता है, तो वो दिया है 30 डिग्री, मतलब ये आग का लेंथ नहीं दिया है बच्चा, इसका मेजर दिया है, तो इसका मेजर दिया है 30 डिग्री, तो ये है मेजर ऑफ द आर्क दिया है 30 डिग्री। और हमको क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, मतलब ये जो केस है इसमें ये जो सेक्टर का एरिया हो जाएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे ये मेजर ऑफ द आर्क के जो वैल्यूज दिए है ना, ये हमारे टीटा है, बेसिकली देखा जाए तो ये टीटा हो गए हमारे। कैसे? क्योंकि देखो वी नो दैट, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, कि अगर ये हमारा माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क ये है और इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो ये है, तो ये सेंट्रल एंगल हो गया। तो अगर ये माइनर आर्क का मेजर 30 डिग्री है तो ये एंगल जो है एंगल एओसी, एंगल एओसी भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये सेंट्रल एंगल टीटा, टीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। तो मतलब आपको ये फिगर वगैरह बनाना नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, ये बनाना नहीं है, मैं आपको बस बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाला, जैसे कि हम ये सोल्यूशन डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये कुछ मत बनाओ, फिगर बनाओ ही मत, यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा है मैंने, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेडियस, रेडियस जो भी है रेडियस लिख देंगे, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर से, दैट इज गिवन 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे हमको जो दिया है फर्स्ट वाला केस है ना, ये फर्स्ट वाला, इधर से लगा के इधर तक पूरा लिख दो ना क्या जाता है हमारा। हम यहाँ पे लिखे कि मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर जिसको हम लोग टीटा से डिनोट करेंगे, ये कितना है पहले केस में 30 है, ठीक है। तो अभी देखो आर और टीटा है तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो आराम से निकल जाएगा, तो इस केस में जो एरिया ऑफ द सेक्टर निकल के आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर जो आएगा दैट इज गिवन बाय टीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में हम लोग लेने वाले हैं 22 अपॉन 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस देखो, रेडियस 7 के मल्टीपल में है इसलिए 22 अपॉन 7 लेंगे। चलो वैल्यूज को पुट करते, तो टीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई है 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। चलो सॉल्व करते, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 2 जा 12, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 1 अपॉन 12 बचा यहाँ पे, इंटू आगे क्या है, आगे है 22 अपॉन 7 इंटू आगे क्या है 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ओके, ताकि ये 7 कट हो जाए। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 7 77, और डिवाइड में क्या है 6 है, तो चलो डिवाइड करते हैं, तो 6 है और यहाँ पे 77 है, तो 6 वन जा 6, तो यहाँ पे 1 बचा, 7 आ जाएगा नीचे, अभी 17 तो आता नहीं है, 6 3 जा 18 होता है तो 2 जा लेना पड़ेगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 5 बचेगा, 0 ले रहे हैं तो पॉइंट, 6 8 जा हो जाएगा 48, तो 2 बचेगा 0, फिर 6 3 जा हो जाएगा 18, फिर से 2 बचेगा 0, तो ये 3 चलता रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एरिया ऑफ द सेक्टर फर्स्ट केस का। अभी नेक्स्ट केस सेम होगा, अब नेक्स्ट केस देखो, मैं नेक्स्ट केस लिखती हूँ, ये इतना पार्ट तो हमारा सेम होगा, सेम नहीं होगा मतलब ये वैल्यू बदलेगी, देखो मैं बताती हूँ, सेकेंड वाला केस लिखना है ना अभी, अरे बाबा ये मैंने थंबनेल कॉपी किया था ना, रुको इसको मैं क्लोज करके आती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये अभी कॉपी करने वाली हूँ, ठीक है, आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा जब आप पेपर लिख रहे रहोगे, बट मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो अब इसी का सेकेंड वन करेंगे, तो ये रफ करना है और बस ये रफ करना है यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंड वन है, रेडियस तो हमारा सेम रहेगा सेक्टर का,
बस यहाँ पे क्या बने चेंज होगा, जो आग का मेजर है वो चेंज हो रहा है, ये जो आग है ना इसका मेजर चेंज हो रहा है, तो इसका मेजर चेंज हो रहा है मतलब जो टीटा है वो चेंज हो रहा है, सेंट्रल एंगल चेंज हो रहा है। तो इस बार आग का मेजर कितना है 210 है, तो यानी कि यहाँ पे इस बार टीटा कितना आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा, बस बाकी सब वो सेम है। तो अभी हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका आग का मेजर कितना है 210 डिग्री है। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, टीटा हो गया 210 डिग्री अपॉन आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 21/36 बच गया, मैं इसको बाद में अभी कट करूंगी लेकिन पहले उससे पहले क्या कर देते, ये 7 का जो स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 7 × 7, अभी कट करेंगे तो ये 7 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन से टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाता है ना, 6 के टेबल में दोनों नहीं जाएगा, 2 के टेबल से करते हैं चुपचाप, 2 × 2, 2 × 8 = 16, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 11। अब ये दोनों देखो 3 के टेबल में जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। ओके अभी बस इतना ही होगा क्योंकि ये 7 कट मत कर देना, ये ऊपर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 7 × 7 हो जाएगा 49 इंटू है 11 और डिवाइड में है 6, तो हम क्या करेंगे पहले 49 इंटू 11 कर देंगे फिर उसको डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो 1 × 9 = 4, 1 × 9 = 4, तो यहाँ पे 9 और ये 13 हो गया और ये 5, तो 539 डिवाइड बाई 6, चलो डिवाइड बाई 6 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 539 डिवाइड बाई 6, तो 6 कितने जा होगा, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, तो 6 × 8 ही लेना पड़ेगा, 6 × 8 = 48, तो ये 13 ये 4 3 4 5 6 7 8, तो 5 बचेगा 5 9, तो यहाँ पे अभी लेना पड़ेगा 6 9 क्या होता है, 6 9 = 54 होता है ना, तो वो लेना पड़ेगा 6 9 = 54, तो यहाँ पे 5 बचा 0, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 × 8 = 48 लेना पड़ेगा, 48 2 बचेगा 0, 6 × 3 हो जाएगा 18, फिर से 2 बचेगा 0, तो फिर से 3 × 3 लेना पड़ेगा, ये चलता रहेगा, तो मतलब इसको भी हम इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसका आंसर 89.83 लिख देंगे, तो 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर जरूर लिख देना, बस हो गया। अभी देखो ये हो गया हमारा आंसर, आई थिंक राइट ही आया होगा, यस हमारा आंसर राइट है। अब देखो थर्ड वन करेंगे, इसी का थर्ड वन क्या दिया है कि तीसरा क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसमें आग का जो मेजर है, मतलब इस आग का मेजर पूछ रहे, इस आग का जो मेजर है ना वो कितना है, 3 right angle, 3 right angle मतलब क्या, 3 बार right angle को लेना है, 3 times of right angle मतलब क्या, 3 times of right angle मतलब क्या कि 3 × right angle मतलब 90 degree, तो 3 × 90 = 270 degree होगा, तो मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 270 degree हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस यही है, तो यहाँ पे बस थोड़ा अजीब दिया है बट ईजी है ये भी, तो अब प्रोसेस तो पूरा सेम ही है जैसे कि पीछे करते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, यही था ना हमारा। अब इधर आ जाएगा, इधर देखो इधर आ जाएगा ये थर्ड वन, ये थर्ड वन होगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर जो है वो है 3 right angle, 3 right angles का मतलब होता है दैट इज 3 × आपको राइट एंगल का मतलब पता ही होगा दैट इज 90 degree, तो 3 × 90 degree करना है जो आएगा 270 degree, तो यानी कि इस बार टीटा जो है वो क्या है 270 degree, बस अभी सॉल्व कर दो, टीटा है 270 degree अपॉन 360 degree इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है 7 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बस इधर ये जीरो कट कर देंगे, तो 27/36 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो ये 7 कैंसिल। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये दोनों मुझे जिधर तक मुझे लगता है ये 9 के टेबल में जाता है डायरेक्ट पता है मुझे, 9 4 होता है 9 3 होता है। अब इन दोनों देखो इन दोनों को 2 से करेंगे, 2 2 = 2 11 बस इतना ही होगा, तो अभी ये देखो 3 × 11 हो जाएगा 33 और इंटू कितना है यहाँ पे इंटू है 7 और यहाँ पे डिवाइड में क्या है डिवाइड में है 2, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
थर्टी थ्री इंटू सेवन, सेवन थ्री जा हो जाएगा 21, सेवन थ्री जा 21 प्लस 2 हो जाएगा 23, तो 231 डिवाइड बाई 2 करना है। चलो तो 231 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 वन जा 2 आएगा, 0 नीचे 3 कैरी डाउन हो जाएगा। एक मिनट हाँ, ये ना थोड़ा हाँ, तो अब देखो फिर से 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 वन जा सॉरी 2 वन जा 2 आ जाएगा, 1 बचेगा तो नीचे आ जाएगा 1, तो 2 फाइजा लेना पड़ेगा, 2 फाइजा हो जाएगा 10, फिर से 1 आ गया एक्स्ट्रा 0 ले गए तो पॉइंट लगा के 5, तो 2 फाइजा 10, ठीक है डिवाइड आता ही होगा आपको, तो यानी कि ये आ गया आंसर, दैट इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, मतलब मैं चेक कर रही थी राइट है कि नहीं, नहीं तो रॉन्ग पता नहीं एडिट वेडिट कर दूं और पता चला कि रॉन्ग था तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो यहाँ पे तीन चीजें थी, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में तीन है, ये टीटा बदल रहा है, हर क्वेश्चन में टीटा बदल रहा है, बाकी कुछ है नहीं, सेम वैसा ही करना है। आई होप आपको समझा होगा। तो आज 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 10 क्वेश्चन तो नहीं किए, 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन किए हमने, कोई बात नहीं। आगे के वीडियो में हम जो 11, 12 और 13 आई थिंक तीन क्वेश्चन बच गए वो कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 7.4 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था वो जरूर फॉलो करना, फॉलो करना मतलब वो जरूर कर देना, स्टैटिस्टिक वाला वीडियो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे आ रहा है, हैंड रिटन नोट डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और जिसने ये वीडियो एंड तक देखा है कमेंट भी कर देना ताकि मैं देख तो लूं कौन है वो बच्चे जो एंड तक वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।